महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के मोदी गली क्षेत्र में स्थित ईशानेश्वर महादेव 84 महादेवों में 16वें नंबर के महादेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय तुहुंड नामक राक्षस ने देवताओं को जीत लिया। इंद्र के ऐरावत हाथी और उच्चैट श्रवा घोड़े को भी अपने अधीन कर लिया। तब देवताओं ने एकत्र होकर इस विपदा से उबरने का विचार किया। उसी समय नारद जी वहां उपस्थित हो गए। देवताओं ने उनसे अपने कष्ट का निवेदन किया। तब नारद जी ने ध्यान करके बताया कि महाकाल वन में जाओ, वहां इंद्र धुन्नेश्वर के पीछे ईशानेश्वर का लिंग है, इसकी आराधना से मन वांछित फल मिलता है। ईशान कल्प में भी ईशानेश्वर का पूजन करने से मुनियों को शिवलोक प्राप्त हुआ था। तब देवताओं ने जाकर ईशानेश्वर की आराधना की। तब उस लिंग से भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुई, जिससे तुहुंड अपनी सेना सहित दग्ध हो गया। तब देवताओं को अपना लोक प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रतिदिन ईशानेश्वर का दर्शन करते हैं, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।